हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वी वर डूइंग अवर लेसन नंबर फोर्थ हीट एंड नाउ वी वुड नेक्स्ट रीड द एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, फिल इट टू थर्ड विथ वाटर। हमें क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है और उसको टू थर्ड उसको फिल कर देना है वाटर से। Place it on a tripod or make some arrangements to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. ठीक है, तो हमें उसको tripod stand पर रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ tripod stand कैसा होता है। tripod stand कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें अपना जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको प्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमने फ्लेम जला देनी है, कैंडल से हमने फ्लेम प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। अब वेट टिल वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट टू एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट को क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को उसमें ऐड करो फ्लास्क में बाई यूजिंग अ स्ट्रॉ। नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। और उसके बाद क्या करना है, हीट करना है वाटर को बाई प्लेसिंग कैंडल, जहाँ पर हमने क्रिस्टल रखा है वहाँ पर उसको हीट प्रोवाइड करनी है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर वट यू ऑब्जर्व। तो हम देखते हैं होता क्या है। वेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। जब पानी गर्म होता है तो जो पानी नियर फ्लेम होता है वो कैसा हो जाता है, हॉट होता है। हॉट वाटर राइजेज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउनवर्ड। अब होता क्या है, जो हॉट वाटर होगा वो राइज अप करेगा और जो कोल्ड वाटर है वो फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। दिस वाटर ऑल्सो गॉट हॉट। और जो ठंडा पानी जो साइड से आ रहा है वो भी गर्म होगा और अगेन राइज होगा। तो इससे होगा क्या, अब देखो यहाँ फिगर में आपको बताया है, द वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन एंड दिस प्रोसेस टिल द होल वाटर गेट हीटेड। यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारा का सारा पानी गर्म ना हो जाए। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जी, इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है कन्वेक्शन क्या होता है। अब देखो मैं आपको यहाँ फिगर, ये है फिगर, इसमें बताती हूँ। ये है हमारा ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है। यहाँ से हमने इसको, ये इसको बंसन बर्नर कहते हैं, ठीक है। बंसन बर्नर, इसके थ्रू क्या दे रहे हैं, हम फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। राउंड बॉटम है देखो इसकी, ठीक है। इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि वाटर कैसे गर्म होता है, थ्रू द मोड ऑफ हीट कौन सी है, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक ग्रो। अब हम देखेंगे दूसरा केस कि जो हीट है वो ट्रेवल कैसे करती है एयर में, ठीक है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। अब जो एयर होती है जो हीट सोर्स के पास होती है वो गर्म होती है और राइज कर जाती है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। क्योंकि जो गर्म जो एयर होती है, जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है, इसलिए वो उठ जाती है, ऊपर को उड़ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। और जो साइड में जो हवा होती है वो क्या करती है, उसकी जगह लेने आ जाती है। इन दिस वे एयर गेट्स हीटेड। और इस तरह से क्या होता है, जो एयर है वो हीट हो जाती है। और अब हम इसको देखते हैं एक्टिविटी 4.9 के थ्रू। तो इसमें क्या है, लाइट कैंडल, एक कैंडल लेनी है हमने, उसको लाइट करना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम। अब हमने क्या करना है, एक हाथ हमने उस फ्लेम के ऊपर थोड़े से ऊपर रखना है और दूसरा थोड़ा सा साइड रखना है। डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट, तो आपके दोनों हाथ क्या इक्वली गर्म हो रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, नहीं होते हैं। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न।
यहाँ पर बताया आपको, देखो एक हाथ फ्रेम के ऊपर और एक साइड में रखा है, तो नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब जो जहाँ पर हमने हाथ रखा है वहाँ पर जो ऊपर जो एयर है वो कैसे गर्म हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू। देयर फोर हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो उसके लिए जो हैंड फ्लेम के ऊपर होता है वो ज़्यादा गर्मी फील करता है। ऑन द साइड हाउ एवर देर इज़ नो कन्वेक्शन, और जो साइड में क्या है कोई कन्वेक्शन नहीं हो रही है, एंड एयर डज नॉट फील हॉट ऑन द टॉप, तो जो एयर है वो डज नॉट वहाँ पर हॉट नहीं फील करवा रही हैंड को। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, तो जो पीपल हमारे कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो भी ऐसा सेम ये एक्सपीरियंस फील करते हैं। क्या करते हैं वो, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, दिन में क्या होता है जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर। द एयर अबव द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप, द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस, द वार्म एयर from the land moves toward the sea to complete the cycle, and the air from the sea is called sea breeze. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब दिन है ड्यूरिंग द डे लैंड गेट फास्टर देन द वाटर, जो धरती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है इज़ कम्पेयर टू वाटर। द एरिया ओवर द लैंड एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजिंग, अब जो लैंड के ऊपर जो हवा है वो क्या है गर्म जल्दी होगी और वो राइज अप हो जाएगी, जब वो राइज अप होगी तो जो वाटर के सी के ऊपर जो हवा होगी वो लैंड की तरफ को आएगी और वो कूल ब्रीज बन के आएगी। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी एंड कम्प्लीट द साइकिल, और जो गर्म हवा होगी लैंड से वो सी की तरफ को मूव करेगी, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको नॉट प्रोसेस को बट इसको सी ब्रीज कहा जाता है, द कूल एयर फ्रॉम द सी, ठीक है उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड फेस टू द सी, तो इसलिए ठंडी हवा पाने के लिए जितने भी घर होते हैं कोस्टल एरियाज में उन्होंने अपनी विंडोज सी की तरफ को रखी होती हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के समय में ये बिल्कुल उल्टा होता है, द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, वाटर कूल डाउन होता है स्लोली देन द लैंड, सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, और रात के समय में इससे उल्टा होता है, जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लैंड, सो जो कूल एयर जो लैंड में होती है वो मूव करेगी किसकी तरफ को, सी की तरफ को, और उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है लैंड ब्रीज। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखनी है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम सन रीचेस, अब हम देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो हमें गर्मी फील होती है, इट कैन नॉट रीचेस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो वो जो गर्मी है वो हमें कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से नहीं पहुँचती है। ठीक है, एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो अब हम देखते हैं वो कैसे पहुँचती है। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में, सी ब्रीज के बारे में ये क्या कह रहे हैं, देखो सी से लैंड की तरफ को मूव कर रही है ब्रीज दिन ड्यूरिंग डे। ठीक है, जब वो ऐसे मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, वो कूल एयर ला रही है लैंड की तरफ को। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कूल एयर जा रही है लैंड की तरफ को और लैंड से हॉट एयर आ रही है वो जा रही है सी की तरफ को। ठीक है, तो ये सी ब्रीज हो गई। अब नेक्स्ट आ जाएगा लैंड ब्रीज, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है, ब्रीज मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी ड्यूरिंग नाइट, नाइट में ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये डे टाइम में है, तो अब क्या हो रहा है, जो कूल एयर है लैंड से वो मूव करेगी सी को और यहाँ से हॉट एयर मूव करेगी लैंड को। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम देख रहे थे सन का इशू कि हमें जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो हमें गर्मी क्यों लगती है। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं जो है रेडिएशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा था,
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट अगर रेडिएशन के थ्रू हो रही है तो उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती थी। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अब जैसे हम रूम में बैठते हैं और वहाँ पर हीटर रखा है तो हमें उससे गर्मी पहुँचती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to surrounding by radiation. अब जैसे हमने कोई गर्म बर्तन दूर रखा है फ्लेम से तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि वो हीट अपनी सराउंडिंग को दे देगा। Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. तो हमारी बॉडी में भी यही होता है, इट गिव्स हीट टू सराउंडिंग and receive heat from it by radiation. All hot bodies radiate heat. तो जितनी भी गर्म bodies हैं वो क्या करती हैं, radiate करती हैं heat को. When this heat falls on same object, a part of it is reflected and a part is observed and a part may be transmitted. So the temperature of object increases due to absorbed part of heat. अब देखो हो क्या रहा है, जब heat fall कर रही है किसी body पर तो उसमें क्या है, एक part उसका क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब हो जा रहा है, और कुछ पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है उस ऑब्जेक्ट का, वो बढ़ता है जो ऑब्जर्व हो रहा है, सॉरी एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब मीन्स सोख रहा है जो पार्ट, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, गर्मी पहुँचती है। अब वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला वेन यू गो आउट इन द सन, तो इसलिए यूज़ करते हैं हम अम्ब्रेला गर्मियों में ताकि अब्सॉर्ब ना हो सके वो लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाए बट अब्सॉर्ब ना हो। तो अब देखते हैं, काइंड ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। अब गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में हम जनरली डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, समर में लाइट कलर के और विंटर में डार्क कलर के पहनते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक्टिविटी 4.10 के थ्रू। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन, पेंट द आउटर सर्फेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट। क्या करना है, दो टिन के कैन लेने हैं, उनको पेंट करना है, बाहर से एक को ब्लैक करना है पेंट और दूसरे को वाइट करना है पेंट। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। उनमें पानी भरना है और उनको हमें क्या करना है, धूप में रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ बोथ द कैन, उसके बाद हमें मेजर करना है टेम्परेचर ऑफ बोथ द कैन, और दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, अलग होगा। तो इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू कैन, ठीक है। तो जिसको हमने ब्लैक पेंट किया होगा वो ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि वो डार्क है, उसने क्या किया है, लाइट को अब्सॉर्ब किया है, ठीक है, और जो लाइट कलर है यानी कि जो वाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, अब्सॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग so that they have trapped layers of air. One way of doing is to use hollow bricks which are available these days. तो ऐसा कैसे किया जाता है, अगर हम क्या करें, एयर को ट्रैप कर लें, और वो कैसे किया जा सकता है, अगर हम हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 4.11।